नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे क्षितिज पॉलीलाइन लिमिटेड की। जी हाँ, काफ़ी समय बाद आपको यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिला है। 5.55 रुपये पे ओपन हुआ था, हाई लगा था 6.05 रुपये पे और वहीं इतने क्लोजिंग दी है। तो क्या कुछ कारण है यहाँ पर? देखिए, ऑपरेटर्स किस तरीके से गेम कर रहे हैं अपना, उन्होंने वो अपना माल निकाल रहे हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ESM की स्टेज 2 में ये कभी भी आ सकता है। बहुत सारे स्टॉक्स रोज़ सेबी और एक्सचेंजेस मिलके ESM स्टेज 2 में डाल रहे हैं, और ESM स्टेज 2 आने के बाद मान के चलिए पीरियोडिक कॉल ऑप्शन के तहत ट्रेडिंग होती है और ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाती है, और मंडे ट्रेडिंग होती है, वहाँ पर निकलना बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। क्योंकि अभी तक मुझे कोई भी ऐसा बंदे का कमेंट नहीं आया जिसने बोला हो कि उसका ESM की स्टेज में, ESM स्टेज 2 में उसका शेयर निकल पाया है। आप में से किसी का निकला हो तो बताइएगा कोई भी शेयर कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर खतरा है, आप ये समझिए भाई, बात को समझ रहे हैं आप बात को। तो चलिए शुरू करते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने अभी आएंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइस, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए। और अगर आप टिप के भरोसे काम करेंगे तो आप अपनी कैपिटल गंवा बैठेंगे, मैं पक्का बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ की और इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपने वीडियोस के लिंक डालता हूँ। जैसे सुजलॉन पे भी बड़ी न्यूज़ निकल के आई है यहाँ पर, है ना। तो इस पे 3i इन्फोटेक पे बड़ा तगड़ा ऑर्डर मिला, सुजलॉन और इन दोनों को तगड़े तगड़े ऑर्डर मिले हैं, बड़े ऑर्डर मिले हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसे ESM में 11 जुलाई को डाले गए जो स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट मैंने डाली है ESM स्टेज 2 में, देखिए आपको दिख रहा होगा क्लियर कट, है ना। तो और 3i इन्फोटेक पे मैंने न्यूज़ भी डाली थी और वीडियो भी इस पर बना के डाला, कंप्लीट एनालिसिस किया, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। क्योंकि इन सब पे खतरा है ESM का, कोई यही नहीं है पूरे क्षितिज पॉलीलाइन नहीं भाई, 500 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनियों पे सब पे खतरा है ESM का। और ESM में आने के बाद आपकी कैपिटल समझ लीजिए लंबे समय तक के लिए फंस जाएगी। आप मेरा ESM वाला वीडियो जरूर देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको चलता हुआ दिख जाएगा कार्ड में कहीं ना कहीं, और एंड स्क्रीन में आपको जरूर मिल जाएगा वो वीडियो, मैं लगा दे रहा हूँ आजकल, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये वीडियो मैं आप जैसे व्यूअर हैं उनकी रिक्वेस्ट पर लेके आ रहा हूँ, इनकी रिक्वेस्ट आई थी तो उनकी रिक्वेस्ट को मैं पूरा कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम 9 लाख का वॉल्यूम जनरेट किया है, 9 लाख शेयर उठाए गए हैं। उससे पहले यानी कि यस्टरडे की बात करेंगे, देखिए आज मैं मॉर्निंग में बना रहा हूँ तो ये कल का है, ये परसों का है। तो 3 लाख का वॉल्यूम इसने जनरेट किया है, 1 वीक का एवरेज 5 लाख है, 1 मंथ का एवरेज 8 लाख आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम में आपको सडन जंप, लगभग 3 गुना जंप देखने को मिला है। यहाँ पर कंपनी में कौन कौन प्रमोटर हैं, किसके पास कितने हिस्सेदारी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये प्रमोटर ग्रुप का मामला है, ठीक है। भारत हेमराज जी के पास 23% है, इनके पास 23.6% है, 5.6% और 21.1%। जो बचा हुआ मामला है ये पब्लिक के पास है, इनमें से 3 हैं जिनके पास 4.6% है, कलर शाइन, ठीक है। नीलम न्याती जी हैं कोई, इनके पास भी 2.5% के पास आसपास शेयर है। HUF हैं, इनके पास 0.7% के आसपास है। अब बात करते हैं, देखिए ये 11 जुलाई का है मामला, कल इन्होंने सेल किया है मल्टीप्लायर, और ये वही ऑपरेटर हैं जो जिन्होंने अक्षिता कॉटन को 82 रुपये से 25 रुपये पे ला के खड़ा किया हुआ है। और यही सेम चीज़ जिसमें भी आपको देखने को मिल रही, लगभग 80 रुपये के आसपास था, और 80 रुपये से आज 6 रुपये के आसपास आता हुआ आपको दिख रहा है, 6-7 रुपये के आसपास, जो भी है अभी देख लेंगे आगे। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए सेल किया है 11 जुलाई को कितना, 4,85,101 शेयर 5.55 रुपये पे। इन्होंने फिर यहाँ पर सेल किया है 5.80 रुपये पे 2,95,464, ये 10 जुलाई को किया है। यहाँ पर 7 जुलाई को सेल किया इन्होंने 3,05,960 शेयर, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने खरीदे कहाँ थे, देखिए यहाँ पर 19 लाख शेयर खरीदे थे इन्होंने 30 जून को 7.5 रुपये के आसपास से, तब से ये लगातार भाई साहब बेच रहे हैं। यहाँ पर 4 जुलाई को सेल किया 3,99,000 शेयर, 6 जुलाई को सेल किया यहाँ पर 2,82,624 शेयर। तो कुल मिला के ये प्रॉफिट तो नहीं कमा पाए हैं, तो जो ऐसा करेगा काम वो कभी ना कभी लॉस तो खाएगा ही खाएगा। बात कर लेते हैं इसके मार्केट कैप की, मार्केट कैप देखिएगा कितना है, 30.6 करोड़ मात्र, बहुत ज़्यादा छोटा है। और 500 करोड़ से कम वाले आप इस समय पैनिक शॉक हो तो बिल्कुल एकदम अपनी उससे हटा ही दीजिए, वॉच लिस्ट से हटा दीजिए, मेरी सलाह यही है, बिल्कुल दूर कर दीजिए। 500 करोड़ नहीं, इवन बल्कि मैं 700 करोड़ बोलूँगा, क्योंकि 500 करोड़ वाला शेयर मान लीजिए रेट शेयर का जो प्राइस है वो थोड़ा भी गिरेगा तो मार्केट कैप कम हो जाएगा 500 करोड़ से, ठीक है। तो भैया 500 नहीं, 700 करोड़ से कम वाले मार्केट कैप वाली कंपनियों को अपने वॉच लिस्ट से हटा दीजिए आप कम से कम 1,000 करोड़ से ऊपर वाली जो पैनिक स्टॉक्स हैं उनको अपने उसमें रखिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर ROC मैं इससे पहले कंप्लीट एनालिसिस कर भी चुका हूँ तो पूरा एनालिसिस नहीं करेंगे, परेशान मत होइए। प्रमोटर आपको यहाँ पर ठीक दिख रहा है, डेट यहाँ पर 18.6 है जो कि डेट टू इक्विटी बनाता है 0.82, तो यहाँ पर आपको डेट भी ठीक ठाक है और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, तो मतलब ये एक नेगेटिव चीज़ है, बाकी ये सारी चीज़ें आपको नेगेटिव दिख रही हैं। दूसरा ये देखिए 70% के आसपास तो प्लेज हो रखा है, तो यहाँ पर मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें आपको नेगेटिव ही दिख रही हैं, पॉजिटिव तो फिलहाल मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर अब चार्ट की बात कर लेते हैं, देखिए लगातार गिरावट के बाद आपको ये काफ़ी टाइम बाद आपको अपर सर्किट देखने को मिला है, तो 6.05 रुपये पे इसने बंद क्लोजिंग किया। RSI देखिए आप 22.34
ओवरसोल्ड जोन में आ चुका था, घनघोर ओवरसोल्ड जोन में। तो यहाँ से आपको एक संभावना तो थी, ठीक है। और 52 वीक लो पे फिलहाल ये बंदी मतलब आ गया था, वहाँ से इसने दी है। अब ऊपर ये कहाँ तक जा सकता है, देखिए ऊपर ये ऑपरेटर्स के हाथ में है पूरा, देखिए खेल ऑपरेटर्स ही कर रहे हैं। और दूसरा, अगर ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई तो यहाँ पर आप बहुत बुरा फंस जाएंगे, इसलिए आप बहुत सावधानी से, जो नए लोग हैं बिल्कुल दूर रहिए, जिन्होंने ओपन ले रखा है एवरेज करने की गलती कतई मत करिएगा। और जो लोग प्रॉफिट वॉफिट में आते हैं, जैसे जिन्होंने यहाँ कहीं उठाया हो, या जिन लोगों को लगता है हाँ मैं इतना लॉस बियर कर सकता हूँ, ठीक है, कोई मान लीजिए 30% लॉस बियर कर सकता है, तो भैया वो लॉस लेके निकल जाओ एज़ पर माई पर्सनल व्यू, ठीक है। और नए लोग बिल्कुल दूर हैं यहाँ पर। अगर आप ऊपर देखिए, हाँ कहाँ तक जा सकता है, ये ऊपर के अलावा आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही मिलेंगे, सपोर्ट और एक्शन मिलेंगे। पहला ये 7.5 रुपये, दूसरा 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये। और इसके अलावा अगर पीछे मैं देखता हूँ, कहीं से बनते नहीं, यहाँ से भी कहीं नहीं बनते, यहाँ पर फिर एक ये है अच्छा रेशन 20 रुपये के आसपास, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए इसको बहुत हिम्मत और समय दोनों चाहिए, ठीक है। RSI की बात करेंगे, 32.44 का वो कमज़ोर है वीकली लेवल पे। मंथली लेवल पे देखेंगे तो सेम अक्षता वाला आपको हॉल दिख रहा है, देखिएगा इस कहाँ से और फिर कैसे धड़ाम हुआ है। और लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही, तो हो सकता है इस महीने आपको एक ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखे। लेकिन फिर भी जो मैंने आपको बताया आप उसका ध्यान रखेंगे, ESM स्टेज 2 का। तो यहाँ पर आपको चलता हुआ दिखेगा ESM वाला वीडियो जरूर देखिए, जो लोग पहली बार आ रहे हैं, जिन लोगों ने देख लिया वो लोग कोई बात ही नहीं, वो तो समझ ही गए होंगे गए। तो और अच्छा, हाँ हर वीडियो में आपको बताता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी जर्नलिस्ट, वीडियो प्योरली आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।